तलाकशुदा महिलाओं पर दिल हार बैठे ये 5 क्रिकेटर्स, लोगों की परवाह किए बिना रचाई शादी। भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिनका दिल पहले से शादीशुदा महिलाओं पर आया है। कुछ के तलाक हो चुके थे तो कुछ अभी भी शादी के बंधन में थीं। हालांकि जब इन्हें प्यार हुआ तो दुनिया की परवाह किए बगैर एक दूसरे का हाथ थाम शादी रचा ली। आइए जानते हैं कौन कौन ऐसे हैं इंडियन क्रिकेटर्स जिन्होंने पहले से शादीशुदा महिलाओं को अपना हमसफर बनाया। अनिल कुंबले, दुनिया के महान स्पिनर्स में शुमार अनिल कुंबले ने 1999 में चेतना से शादी की थी। चेतना तलाकशुदा थी, पहले पति से उनकी एक बेटी थी। मुरली विजय का दिल अपने ही साथी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता पर आ गया था। कहा यह जाता है कि कार्तिक से शादी के बंधन में रहते हुए ही निकिता का मुरली विजय से अफेयर चल रहा था। हालांकि जब मुरली विजय ने निकिता से शादी की तब उनका दिनेश कार्तिक से तलाक हो चुका था। वेंकटेश प्रसाद, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने साल 1996 में जयंती से शादी रचाई थी। जयंती से प्रसाद की मुलाकात उनके क्रिकेटर दोस्त अनिल कुंबले ने करवाई थी। जयंती भी पहले से शादीशुदा थी और उनका तलाक हो चुका था। मोहम्मद शमी ने 2014 में हसीन जहां से निकाह किया था। हसीन जहां तलाकशुदा थी, उनकी एक बेटी थी। फिलहाल हसीन जहां का मोहम्मद शमी से तलाक हो चुका है। शिखर धवन, टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर आयशा से शादी की थी। आयशा तलाकशुदा थी, पहली शादी से उनकी दो बेटियां थीं। शिखर और आयशा की उम्र में 10 साल का अंतर है। ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।